नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। इस्पात मंत्री द्वारा इस्पात सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट स्पोर्ट्स पॉलिसी जारी। एचआर पहल आरोहण पर कार्यशाला आयोजित। और हिंदी दिवस के उपलक्ष में कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। देश की खेल प्रतिभा को पोषित करने और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए बड़ी संख्या में पदक की उम्मीदों को तैयार करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार करके अपनी पहली पहल की शुरुआत की है। इस्पात मंत्री श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्कोप कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह में 27 अगस्त को ISM, CMD, NMDC लिमिटेड एवं स्पोर्ट्स समिति इस्पात मंत्रालय के अध्यक्ष श्री एन बैजेंद्र कुमार, ISS विशेष सचिव और वित्तीय सहायकार इस्पात मंत्रालय श्री सरस्वती प्रसाद तथा सेल अध्यक्ष और इस्पात मंत्रालय एवं इसके CPSE के अन्य वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में नीति दस्तावेज जारी किया। अपने संबोधन में माननीय इस्पात मंत्री ने कहा कि खेल अब सामाजिक परिवर्तन का एजेंट बन गया है और बड़ी संख्या में लोग इसे समय की बर्बादी के बजाय कैरियर विकल्प के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि खेल उपलब्धियां राष्ट्रीय विकास का संकेतक है और प्रत्येक इकाई को खेल के प्रचार में भूमिका निभानी चाहिए। भारत का इस्पात क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 2% से अधिक योगदान देता है, इसलिए इस्पात क्षेत्र खेल में समान योगदान करने के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोच सकता है। माननीय मंत्री ने यह भी सराहना की कि इस्पात CPSE द्वारा किए गए अच्छे काम ने देश को पदक और खेल बुनियादी ढांचे के लिए पुरस्कृत किया है। इससे पहले श्री एन बैजेंद्र कुमार ने कहा कि यह नीति खेल के लिए पर्याप्त पहुंच प्रदान करेगी और उन्हें अच्छे प्रशिक्षण, सकारात्मक स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता, आजीविका, सामाजिक सद्भावना और सद्भावना के लिए समर्थन देगी। इस परिवर्तन में तेजी लाने में मदद के लिए इस्पात CPSE की खेल नीति सरकारी पहल को पूरक करेगी और संचालन के अपने संबंधित क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देगी। श्री सरस्वती प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि यह नीति समाज में परिवर्तन निर्माता होगी। उन्होंने विभिन्न स्पोर्ट्स प्रमोशन स्कीमों के बारे में भी बताया जो सेल पूरे देश में अपनी विभिन्न परिचालन परियोजनाओं द्वारा चलाता है। निदेशक कार्मिक NMDC श्री संदीप तुला ने अपने स्वागत भाषण में इस नीति की मुख्य विशेषताएं के बारे में जानकारी दी। कार्यपालक निदेशक कॉरपोरेट अफेयर सेल श्री MC अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर कुश्ती कोच श्री प्रेम सिंह, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और मैराथन डॉक्टर सुनीता गोदरा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। HRDC में 24 और 25 जुलाई को HR पहल आरोहण पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में E3 से E7 स्तर के कुल 19 अधिकारियों ने भाग लिया। यह 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान इस्पात उद्योग की व्यापार परिदृश्य और गतिशीलता एवं भविष्य की चुनौतियां, स्केट होल्डर प्रबंधन, विक्रेताओं के साथ व्यवसायिक संबंध बनाने, भावनात्मक ज्ञान, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्म प्रेरणा, गौरव की संस्कृति, जुनून और प्रशंसा, संसाधनों और सामग्रियों का अधिकतम उपयोग, नई खोज और सृजनशीलता, कार्यस्थल पर प्रभावी निर्णय लेना और मानव संसाधन के अधिकतम उपयोग जैसे विषयों पर शामिल किया गया। सत्रों का संचालन महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री MKL चांद, उपमहाप्रबंधक प्रभारी पाइपलाइन श्री आशीष चक्रवर्ती, उपमहाप्रबंधक कार्मिक नॉन वर्क्स श्रीमती विजया मिश्र, उपमहाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री GK दास, उपमहाप्रबंधक CPP1 श्री KS विरदी, उपमहाप्रबंधक कोक अवन श्री K बेहरा, उपमहाप्रबंधक BE श्रीमती चैताली दास एवं सहायक महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री GS गोस्वामी द्वारा किया गया।
उप महाप्रबंधक CPTI श्री एस मोहंती ने HRD के वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर श्रीमती RL आचार्य के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि संभागियों के प्रबंधकीय क्षमता को सुदृढ़ बनाने, संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को सक्रिय रूप से चुनने और बेहतर रणनीति सोच विकसित करने के उद्देश्य से इस पहल को अप्रैल 2018 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम महीने में 2 बार आयोजित किया जा रहे हैं। 14 सितंबर को मनाए जाने वाले हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 27 अगस्त को R&C लैब में पाइप प्लांट के कर्मी समूह द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी पाइप प्लांट श्री आशीष चक्रवर्ती मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री चक्रवर्ती ने हिंदी दिवस एवं राष्ट्रीय महत्व और पहचान के साधन के रूप में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान श्री चक्रवर्ती ने हिंदी में स्पॉट में संगीत, गद्य, कविता, पहेलियों, चुटकुले प्रस्तुति पर कर्मचारियों को प्रतीक उपहार प्रदान किए। इसके बाद एक लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई, जिसमें अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। इससे पहले उप महाप्रबंधक पाइप प्लांट श्री जी सिंह ने सभा का स्वागत किया, जबकि सहायक महाप्रबंधक तथा हिंदी अधिकारी श्री अविनाश चौधरी ने समारोह का संचालन किया। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।